तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर के जय भीम चौक पर, जहां पर NMC की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है कि यहां पर हर दुकान के अंदर जाके कोरोना के जो टेस्टिंग हो रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, यहाँ से उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनको परेशानी झेलना ना पड़े, इसलिए NMC की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ पर हर दुकान के अंदर जाके कोरोना का टेस्टिंग कर रहे हैं और अगर जो नहीं कराना चाहते उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि जनाब बख्शी साहब से कि ये टीम जो यहाँ पर आई हुई है तो इसमें पब्लिक को क्या सहायता मिल रही है और पब्लिक ने क्या करना चाहिए, आप ऐसा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नूर मोहम्मद बख्शी, यादव नगर, प्लाट नंबर 400। यहाँ के लोगों को कॉरपोरेशन की टीम की तरफ से मुफ्त में जो टेस्टिंग किया जा रहा है ये बहुत समाधानकारक और संतोषजनक उपाय है। इससे हम सब तमाम लोगों को राहत मिलेगी और अपना अपना टेस्टिंग कराए इसमें सहूलत मिलेगी, जिससे कोरोना से आज हम मुक्ति पा जाए, यही हमारी इच्छा है। और मैं तमाम लोगों से, अपने अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि वो आए और यहाँ टेस्ट कराए। ये किसी भी किस्म का कोई पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्द। बाकी कुछ लोग जैसा डर रहे हैं कि टेस्टिंग कराने से भी लोग भाग रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे टेस्टिंग के लिए भी लोग डर रहे हैं, वैक्सीन लगाना तो दूर की बात है, बाकी टेस्टिंग के लिए भी लोग मतलब एतराज़ कर रहे, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से जो लोग हैं वो कुप्रचार करते हैं, उनको सही ढंग से उसकी मालूमात नहीं है, गलत मैसेज देते हैं, इसलिए लोगों के दिलों में दहशत है। कॉरपोरेशन की टीम और हमारे जैसे सब युवा लोगों ने उनकी मदद करना चाहिए, उनके दिलों से अपना खौफ निकालना चाहिए और उसके बावजूद ही ये महामारी को हम दूर को भगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब हम जानते हैं यहाँ की जो टीम है, कॉरपोरेशन की टीम है, तो उनसे जानते हैं कि ये टेस्टिंग मतलब कैसा चल रहा है और ये इनकी टीम कितनी है, यहाँ पर कितने लोगों की टीम है और लोगों को ये टेस्टिंग जो कराया जा रहा है तो इसमें पैसा लिया जा रहा है या मुफ्त में किया जा रहा है? मैम आप अपना नाम बताइए। मैं रंजना पोनीकर, आशा वर्कर यूनियन की सर सचिव। यहाँ पे पैसा कुछ नहीं लिया जा रहा है, हम लोग 2 साल हो गए कंटिन्यू कोरोना महामारी में, पूरी हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन सरकार को ये नहीं क्या, जो आशा वर्कर है उनको, जो मानदान पे काम करती है उनको गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और हमारी BPL APL की जो राट रद्द करना चाहिए। कल हमारा VC मुख्यमंत्री साहब से हुआ, लेकिन उन्होंने जो है हमको बोले कि आप अभी जो नई लहर आने वाली है तीसरी वाली बच्चों के ऊपर, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार है, लेकिन शासन मुख्यमंत्री साहब ने ये भी तो सोचना चाहिए कि जो आशा वर्कर घर घर जाके वो काम करवाती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, उनके साथ हैं हम लोग, लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और हमारा जो वेतन है फिक्स वेतन 22,000 देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारे NM भी हमारे साथ में, पूरा स्टाफ हम काम करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो आश्वासन 2,000 की बढ़ोतरी की है उसके बाद से हमको कुछ नहीं दे रहे। कोरोना के जो 1,000 रुपये शासन के तरफ से मिलते हैं उस पर हम काम करते हैं। तो अभी आपके आशा वर्कर टीम के अंदर कितने लोग जुड़े हुए, कितने लोग काम कर रहे हैं और आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं, हमारे नागपुर में पूरी आशा वर्कर 6,600 आशा वर्कर है कार्यरत और अभी नए कुछ जुड़े हुए हैं, 600 से 700 आंकड़ा गया हुआ है हमारा अभी तक, 600 से 700 का आंकड़ा गया हुआ। हाँ। और आपको पेमेंट सैलरी अभी कितनी मिल रही है? हमको फिक्स मानदान 2,000 मानदान पे काम कर रहे हैं हम लोग सर, महीने का 2,000 रुपये, महीने का 2,000। उसमें आपको पेमेंट समय पे मिल रहा हर महीने? नहीं नहीं, कभी 2-2 महीने का मिलता है, कभी 3 महीने का मिलता है। हमारी मांग है कि हम हर महीने पे हमको मानदान दिया जाए, हमारे बाल बच्चे हैं, हमको खाने पीने की चीज़ें हैं, घर में आदमी लोग बैठे हैं, हम कैसा करें?
तो देखिए कि ये इतनी महामारी में इतना रिस्क उठाकर ये जो आशा कर्मचारी है ये इतनी मेहनत करके लोगों के बीच में जाके कोरोना पॉजिटिव के बीच में जाकर इतना रिस्क उठा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, बावजूद उसके भी इनको 2000 रुपये महीना दिया जा रहा और फिर भी इनको दो दो तीन तीन महीने पेमेंट नहीं दिया जा रहा। तो ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारा मुआवजा वक्त पर मिले और हमें परमानेंट नियुक्ति दे। और आप आपके जो कर्मचारी है बाकी और लोग हैं तो ये आपकी जो मुहिम चालू है तो ये मुहिम डोर टू डोर है या अभी जो शॉप टू शॉप कर रहे हैं आप या जो लोग नहीं करवाना चाहते उनसे मतलब ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं? हम लोग कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहे। जो तीसरी लहर आ रही है उसमें बच्चों के ऊपर आ रही है वो किसी के चपेट में नहीं आए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ रहा है। हम समझा रहे हैं उनको जा जा के घर में, क्या आप करवा लो टेस्टिंग, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर आने वाली है। तो आप समझना ये टेस्टिंग करवा रहे हैं और अब आशा वर्कर है आप, तो आपको तो समझना ये पता ही होगा कि जो तीसरी लहर है ये सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर बहुत घातक आने वाली बच्चों के ऊपर, तो इसमें प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी हुई क्या अभी, जैसे कुछ वार्ड खोले गए या कुछ आगे की मतलब रणनीति बनाई है सरकार ने? प्रशासन के तरफ से पूरी रणनीति उन्होंने तैयार की है, पूर्व तैयारी हो चुकी है। अभी जो टेस्टिंग है वो बच्चों की भी करवाए, हम जानते हैं कि बच्चों की भी करवाना चाहिए, हर माँ बाप ने जिम्मेदारी उठा के। हम उनके घर जाके समझा रहे हैं कि आप करवा लो बच्चों की, आने वाला समय इतना खतरनाक रहेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद मैडम। आप बताइए ये मैडम, आपका नाम बताइए। मनीषा गणेश डितनोरे, मैं यादव नगर में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे अभी 2016 से लगी हूँ और पूरे एरिया में हमारा सर्वे रहता है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, किसको बीपी है, किसको शुगर है, और एक हमको मेंटेन करना पड़ता है। इतना करने के बावजूद भी जो सफिशेंट सैलरी है वो हमको नहीं मिलती है। इतने से पैसों में तो कोई बाहर का काम करने वाले भी करते नहीं है, 500 रुपये रोजी से करते हैं। हम बहुत कम मानधन पे आने जॉब करते हैं, तो इसकी सरकार ने दखल दे लेनी चाहिए। यानी आप इतने कम में जो काम कर रहे हैं तो आपका एक एम है कि हम देश की मतलब रक्षा के लिए और देश के भलाई के लिए आप इतने कम पेमेंट में भी काम करने को तैयार है, बावजूद इसके भी आपको समय पर पैसा नहीं मिल रहा। इस बारे में आप सरकार से प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन को यही बोलना चाहूँगी कि सर हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी घर बार है, तो हमको भी सफिशेंट यानी सैलरी चाहिए। हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और फिक्स मानधन दे और महीने की सैलरी करे। ये नहीं कि काम करवा लेते हैं 6-6, 7-7 महीने, 12-12 महीने पेमेंट नहीं आता है, ये नहीं। हमको भी घर चलाना पड़ता है, किसी हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे भी मिस्टर कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है, प्राइवेट जॉब वाले हैं। अभी कोरोना काल में वो भी घर में रह गए 2-2 महीने, हमारा भी पेमेंट 3-3 महीने 2-2 महीने नहीं आएगा, तो हम अपने बच्चों का अपने घर का पालन पोषण कैसे करें? यदि आपको अगर पेमेंट नहीं मिलता मैडम तो इसके बाद में आप क्या कोई एक्शन लेंगे अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता आगे भी चल के? तो हाँ, मैं बेमुदा संप करने का हमने निर्णय लिया है, लेकिन हाँ अगर आप बताइए आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि नीलेश रामटेक है, मैं यादव नगर में कार्यरत हूँ। तो आप क्या बेमुद्दत संप का क्या बता रहे? हाँ, जर हमारा पेमेंट अगर महीने के महीने नहीं मिला और हमारा फिक्स वेतन नहीं हुआ तो हम 15 तारीख से बेमुद्दत संप करने वाले हैं। ये 15 जून से हमारा बेमुद्दत संप है। उसके पहले 15 जून से पहले अगर गवर्नमेंट ने कुछ हमको यानी कंफर्म नहीं कराया कि हमने जो मांग रखी थी वो मांग हमको पूरी कंप्लीट नहीं करके देंगे तो हम पूरा टोटल 15। हाँ बताइए मैडम, कितने पेशेंट यहाँ पर यादव नगर में निकले थे? यादव नगर में ये स्वीपर कॉलोनी और ये वाला पट्टा पकड़ के बुद्ध विहार वाला, तो 30 या 35 पेशेंट निकले थे। 30 या 35 पेशेंट निकले थे। और ये भाग का अलग है, यादव नगर ये गली नंबर 19 है वो अलग है, और ये स्वीपर कॉलोनी और ये वाला मिला के 35-30 पेशेंट थे। तो मैडम अभी तो समझना ये शॉप का आपका टेस्टिंग चालू है, तो इसके बाद में आपका कुछ ऐसा भी स्कीम है क्या कि जो डोर टू डोर जाके आप टेस्टिंग कराएंगे? डोर टू डोर अभी तो शॉप वाला चालू है, पर हमने यादव नगर में डोर टू डोर भी करा है टेस्टिंग, उसमें भी लोगों ने किए हैं, पर ज़्यादातर लोग हमको क्या रिस्पांस नहीं देते हैं।
और सुनने में आया कि वैक्सीन भी अभी डोर टू डोर जाकर देने वाले हैं। हाँ, वैक्सीन भी डोर टू डोर जाके देने वाले हैं अभी, पर अवेलेबल है नहीं। जब से आएंगे तो हम डोर टू डोर जाके वैक्सीन भी करेंगे। तो ये वैक्सीन जो अगर से लोग आप डोर टू डोर जाएंगे देने के लिए, अगर जो लोग नहीं लेना चाहते तो उनको क्या जबरदस्ती दिया जाएगा? नहीं, जबरदस्ती तो हम कैसे कर सकते, जिनकी इच्छा है उनको हम देंगे, जिनकी इच्छा नहीं है उनको नहीं देंगे। जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन देंगे? हाँ, अभी 21 जून से आने वाली है, तो वो 18 साल के ऊपर वालों को भी हम वैक्सीन देंगे। 18 साल से ऊपर वालों को? हाँ, वैक्सीन देंगे। तो तत्काल न्यूज से बात करने के लिए मैडम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम जानते हैं, सर आपका नाम होता है? मेरा नाम सर अजीम खान। क्या करते हैं आप सर? मैं मेडिकल स्टूडेंट बेंगलोर में स्टडी कर रहा हूँ। बेंगलोर में, तो आप बताइए सर, सर कैसा है कि जिस तरीके से आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं, इसमें देखा जाए तो ये जो इसके अगर ये मिशन जो है ब्रेक द चेन गवर्नमेंट ने भी चलाया है, इसके तहत कैसा है कि जो लोग आसपास घूम रहे हैं पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक रहेंगे, इस कंडीशन में जो ये जो चलाया जा रहा है इसके द्वारा जो फैलेगी जो बीमारियां है इधर उधर, अगर इसमें जो पॉजिटिव निकलता है रैंडम, तो उसको जो है ये तोड़ सकते हैं। अगर उस पॉजिटिव पर्सन आता है सिंगल पर्सन, तो उसको ले जाके वो बाकायदा क्वारंटाइन हो सकता है और वो मतलब सोसाइटी से अलग होके और वो बाद में क्योर होके फिर बाद में आ सकता है। ऐसे इस तरीके से अगर किया जाए तो रैंडम जितने पॉजिटिव हैं, किसी की इम्यूनिटी मजबूत है और वो इन्फेक्ट कर रहा है किसी दूसरे को, तो अगर इस कंडीशन से अगर हम अगर ये मुहिम अगर ऐसे चलता रहा तो काफ़ी लोगों को हम मल्टीपल अगर देखा जाए इस तरीके से तो रोक सकते हैं, बचा सकते हैं उन लोगों को और इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे यंगस्टर्स हैं बाहर में जो इधर किधर घूम रहे हैं, तो जो घूमने वाले बाहर में इधर किधर हैं उन लोगों को जो ये इन्फेक्शन होगा, वो अपनी फैमिली को ले जाके यंग जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनकी इम्यूनिटी लो रहती है, इस कंडीशन में ये जो यंगस्टर हैं ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं तो ये ले जाके उनको फैला देते हैं, उस सिचुएशन में उनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती है। और 5 से 6 दिन के अंदर में अभी तो जो स्ट्रेन आया है अल्फ़ा और डेल्टा वगैरह, इसके वजह से तो और ज़्यादा सीवियर केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट नागपुर में तो काफ़ी अच्छा हो गया है, 150 से लेकर 200 केसेस तक मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से मुहिम चलती रही तो शायद हम कामयाब होंगे। बाकी सर आप ये बताइए कि जैसा कि अभी यहाँ नागपुर अनलॉक हो गया है और आप देख रहे हैं कि भीड़ एकदम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है चारों तरफ, तो ऐसी भीड़ को देखते हुए क्या ऐसा आपको लगता नहीं कि इसमें और संक्रमित होने के दोबारा चांसेस है करके, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ICMR ने तीसरी बार गाइड जो अपनी तीसरी वेव की जो गाइडलाइन निकाला है उसमें जो इनका बाद में अनलॉक की जो प्रक्रिया वापस से शुरू की गई है, इसमें इन लोग ने बता दिया है करके कि हमने मार्केट्स को तो ओपन कर दिया है, लेकिन बाद में उसके साथ में जवाबदारी हमारी भी है कि इस तरीके से इन्फेक्शंस ना फैले, तो इसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होगा और साथ में ही जैसे हमको अवॉइड करना होगा बाहर जाने का, तो ये भी हम लोगों को देखने का है, जाना है जा सकते हैं मार्केट में। और मोस्टली देखा जाए तो आज भी डिजिटल इंडिया चल रहा है और मैंने कैसे जो सुन रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक विभाग में ज़्यादा लाइन लग रही है, तो बेहतर होगा आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करो, ऑनलाइन बैंकिंग करो, इससे हम मार्केट का भीड़ जो है वो रोक सकते हैं हम वहाँ से और संक्रमण की चेन भी रोक सकते हैं। सर इसमें तो ऑनलाइन के अंदर आप जानते हैं कि सभी लोगों को ऑनलाइन करना आता नहीं है, तो इसके अंदर प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारी को मतलब उनके डोर तक भेजे ताकि भीड़ भाड़ से लोग बचे, संक्रमित होने से बचे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरीके से अगर प्रशासन भी अगर करता है तो उसमें बहुत अच्छा योगदान होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे बाहर रहते हैं वो पढ़े लिखे अगर वो नहीं है तो वो अपने बच्चों से बोल के ऐसे महामारी के टाइम में भी बोल सकते हैं कि आप वहाँ से भर दीजिए करके, तो ऐसे बिलिंग वगैरह पेड हो सकती है। तत्काल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सर यहाँ पर अभी बहुत से पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सॉरी पेशेंट नहीं बोल सकते इनको, कि बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनका एंटीजन टेस्ट चालू है और उनको यहाँ पर फ्री में टेस्टिंग किया जा रहा है और उनकी जो RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो दूसरे दिन दी जाएगी इनको NMC जोन के ज़रिए। बाकी आज की जो रिपोर्ट है इनको तुरंत इनके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है NMC की तरफ से। ये यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खड़े हैं ये आशा कर्मचारी है, तो इनका भी जो मांग थी, इनका जो कहना था, इनकी जो तकलीफ थी, वो भी सब इनके ज़रिए हमने आपको बताया है। अब देखते हैं कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, और इनका कहना यह है कि अगर से हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आने वाले 15 तारीख को यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। तत्काल न्यूज़ नागपुर से अब्दुल शेख।